तो दोस्तों, दुनिया आपको चढ़ाएगी और गिराएगी भी। दुनिया का काम ही यही है, बस आपको इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हेलो एवरीवन, स्टडीएस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है September 8, 2019 और डे है संडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले कल मैंने आपके लिए एक सवाल रखा था। कल का सवाल था सेंट्रल गवर्नमेंट के ईट राइट मूवमेंट से रिलेट करते हुए। तीनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट थी, इसलिए सवाल का सही जवाब है डी, ऑल ऑफ द अबव। आपके लिए आज का सवाल रिलेट करता है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस से। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी यहां पर कुछ बड़े बड़े स्टेप लिए हैं टू इम्प्लीमेंट द स्कीम ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस। आपको बताना है कि कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं उन इंस्टीट्यूट्स को जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का पार्ट हो जाते हैं। नंबर वन, सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं आईओई के अंदर, दे शैल हैव कंप्लीट एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। नंबर टू, उनके पास फ्रीडम होती है कि वो यहाँ पर किसी भी एकेडमिक कोलैबोरेशन के साथ एंटर कर सके विद अदर इंस्टीट्यूशन विद इन द कंट्री। थर्ड, उनके पास फ्रीडम होती है टू एडमिट एडिशनली फॉरेन स्टूडेंट्स ऑन मेरिट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 60% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एडमिटेड डोमेस्टिक स्टूडेंट्स। नंबर फोर, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन फिक्सिंग ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस विद नो यूजीसी मैंडेटेड करिकुलम स्ट्रक्चर। नंबर फाइव, इवन दो द इंस्टीट्यूशंस एंजॉय गुड फ्रीडम, यूजीसी इंस्पेक्शन शैल अप्लाई टू दीज इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए 1, 2, 3 ओनली, बी 3, 4, 5 ओनली, सी 1, 2, 4 ओनली, या डी ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। पेज नंबर वन, पहली खबर हम लोगों को मिलती है, इसरो साइंटिस्ट वर्क टू डीकोड चंद्रयान 2 लैंडर फेलियर। तो कल मैंने आपको अपडेट दे दिया था कि हमारा जो चंद्रयान 2 मिशन है वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने 99% सफलता हासिल की है, क्योंकि अभी भी हमारा जो ऑर्बिटर है वो काम कर रहा है, बट हमारा जो लैंडर है उसके साथ हमारा जो संपर्क है वो छूट गया जब लैंडर सिर्फ और सिर्फ मून की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर था। इसरो के साइंटिस्ट इस चीज़ के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चंद्रयान 2 का जो लैंडर है, जो हमारा विक्रम है, वो क्यों यहाँ पर फेल हुआ। इंडिया का जो ड्रीम था कि हम लोग लैंडर स्पेसक्राफ्ट को उतार देंगे मून के साउथ पोल के ऊपर, वो पूरा होता हुआ नहीं नजर आया। यहाँ पर जो लैंडर है, इट वॉज टू हैव सेट इटसेल्फ डाउन ऑन द मून सरफेस एट 1:55 AM ऑन सैटरडे। इट हैड बीन डिसेंडिंग फॉर 12 मिनट्स, बहुत बढ़िया तरीके से डिसेंड कर रहा था, जो लाइन थी, जो प्रोजेक्टाइल मोशन था उसके हिसाब से डिसेंड हो रहा था। हाउएवर, जस्ट 3 मिनट बिफोर द लूनर टच डाउन, यहाँ पर चंद्रयान मिशन का जो लैंडर था विक्रम के, उसके उतरने के 3 मिनट पहले ही इसरो का जो कॉन्टैक्ट था वो खो गया जब यहाँ पर लैंडर 2.1 किलोमीटर दूर था मून के सरफेस से। बड़ा सवाल आता है कि यहाँ पे क्या चीज़ गलत डायरेक्शन में गई। जो इसरो के सीनियर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पर इसरो के साथ वर्क किया हुआ, उनका ये कहना है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी यहाँ पर लैंडर की, वो हमें बढ़ती हुई नज़र आई और यहाँ पर लैंडर अपनी वेलोसिटी को मेंटेन करने में नाकामयाब रहा। यह कारण था जिस वजह से शायद लैंडर के साथ जो संपर्क है वो छूट गया। यहाँ पर एक सस्पेशन ये भी आ रहा है कि इंस्टेड ऑफ लूजिंग वेलोसिटी, जब से जैसे वो नीचे आ रहा था लैंडर ने वेलोसिटी गेन करना चालू कर दिया। अब गेन करने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जिसके अंदर मून का ग्रेविटेशनल पुल भी एक बहुत बड़ा कारण था। इट मे ऑल्सो हैव लॉस्ट इट्स ओरिएंटेशन एंड एल्टीट्यूड, जो कि यहाँ पर उसकी वजह से भी उसकी वेलोसिटी बढ़ी। जब एटीट्यूड यहाँ पर लॉस हुआ, टिल्ट हुआ, इस वजह से जो लिंक है या टेलीमेट्री है उसमें भी डिस्ट्रक्शन आ गया। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ ट्रैकिंग में ये भी आ रहा था कि कुछ टेरेन्स थी दो क्रेटर के बीच में जिनको अच्छी तरीके से मैप आउट किया था, बट यहाँ पर किसी हिल का डिस्ट्रक्शन हुआ या ऐसा ना हो कि कोई पहाड़ आ गया हो बीच में या कोई राइजन माउंटेन हो, उन चीज़ों को भी अभी के सेंस में रूल आउट नहीं किया जा सकता है। मूविंग ऑन, पेज नंबर वन पे ही हम लोगों को एक कंटिन्यूइंग खबर मिलती है। ठीक है, द हिंदू ने बहुत सारी खबर चंद्रयान से रिलेटेड कवर करी है, बट हमारे लिए एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज लैंडर्स आर ऑलवेज ऑन अ स्लिपरी स्लोप। इसरो के फेल होने से पहले, मतलब इसरो ने अपना जब लैंडर उतारा, ओके, हमारा लैंडर नाकामयाब रहा, उससे पहले
अप्रैल 11 के एक मिशन का हम लोगों को जिक्र करना जरूरी है। वो मिशन था यहां पर इसराइल का, इसराइल की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस आईएल, उसका मिशन था बेरशीट। ओके, इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था एक खबर टॉर्डिग्रेड के बारे में, जिनको वाटर बियर्स कहते हैं। ओके, जो कि हमारी दुनिया की सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट एनिमल्स हैं इन द प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो जो बेरशीट है, इट वॉज लॉन्च अब्रॉड अ फाल्कन रॉकेट, जिसको यहां पर स्पेस एक्स कंपनी ने बनाया था $100 मिलियन की कीमत से। चंद्रयान 2 से भी सस्ता था, 700 करोड़ रुपए के आसपास ये मिशन हुआ। और हमारा जो चंद्रयान 2 है, इट वाज अराउंड 980 करोड़ रुपीस। बेयरशीट की जो जर्नी थी वो 49 डेज तक चली, और अगर इसरो के लैंडर के साथ जर्नी की बारे में बात करें तो वो 46 डेज के लिए चली। इसराइल का जो ये स्पेसक्राफ्ट है उसकी एक बहुत ही रॉकी जर्नी थी स्पेस के अंदर। हाउएवर, जो टेलीमेट्री डेटा है वो सजेस्ट करता है कि जो लैंडर था वो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा था, बट यहाँ पर मून की सतह से 500 मीटर पहले यहाँ पर उसके साथ भी कनेक्शन छूट गया था। जो गायरोस्कोप इंजन है दैट कीप्स द स्पेसक्राफ्ट ओरिएंटेड, और जो कि यहाँ पर उसकी स्पीड को रेगुलेट करता है, वो फेल होता हुआ नजर आया। गिवन दैट द ऑब्जेक्ट वाज प्लमेटिंग एट नियरली 500 किलोमीटर पर आर, और उसको यहाँ पर इम्पॉसिबल हो गया था टू कंट्रोल बाय द अर्थ बाउंड साइंटिस्ट। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर जो लैंडर के सामने आता है, इट इज़ द लार्ज कम्युनिकेशन लैग। चाहे नासा का मार्स मिशन ले लो, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर इक्विवेलेंट 7 मिनट ऑफ टेरर देखने को मिले, जैसे इसरो के 15 मिनट्स ऑफ टेरर टाइम था, उसी तरीके से नासा का जो मार्स मिशन था उसमें 7 मिनट का टेरर टाइम था। दिस इज़ अ टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन जिसके लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। एक बड़ा चैलेंज जिस चीज़ को हमें समझना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर विक्रम के साथ भी गलत हुआ और जो यहाँ पर बेयरशीट के साथ भी गलत हुआ, वो ये था कि हम लोग स्पेसक्राफ्ट्स में जैसे ब्लैक बॉक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं उसके अंदर ब्लैक बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर एग्जामिन कर सकें, रिट्रीव कर सकें कि प्लेन क्रैश क्यों हुआ, पर ऐसा यहाँ पर हम किसी भी समय पर स्पेसक्राफ्ट में नहीं कर सकते। यहाँ पर जो साइंटिस्ट होते हैं वो रिलाय करते हैं टेलीमेट्री डेटा के ऊपर। ओके, उसी को ही देख के हम लोग बता सकते हैं। चाइना के बारे में यहाँ पर बात हुई कि चाइना फॉर इट्स अ पार्ट हैज़ हैड द मोस्ट रिसेंट सक्सेसेस विद द लैंडर्स, जब उसने अपना चैंगी 3 और चैंगी 4 यहाँ पर भेजा। चैंगी 3 2013 में भेजा था और चैंगी 4 2018 में भेजा था, और दोनों ने ही यहाँ पर मून के ऊपर सक्सेसफुली लैंड कराया। पेज नंबर 1, अगली खबर मिलती है, पाकिस्तान डिनाइज यूज ऑफ एयर स्पेस टू कोविड फॉर आइसलैंड विजिट। पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। इंडियन प्राइम प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को यहाँ पर आइसलैंड जाना था, पर पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से उन्हें मना किया गया। ऑल दो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जब फ्रांस की विजिट पर जाना था G7 समिट के अंदर इन अगस्त, एज अ गुडविल जेस्चर पाकिस्तान ने अलाउ किया था, बट पाकिस्तान का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है, जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता, जब तक यहाँ पर पाकिस्तान अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करना अलाउ नहीं करेगा। यहाँ पर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोर्ट्स पर्सन रविश कुमार जी ने बोला है कि वी रिग्रेट द डिसीजन ऑफ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट टू डिनाई द ओवर फ्लाइट क्लियरेंस फॉर द VVIP स्पेशल फ्लाइट्स विच इज अदरवाइज ग्रांटेड रूटीनली बाय एनी नॉर्मल कंट्री। इसीलिए पाकिस्तान को अपने जो एक्शंस हैं उनके लिए जिम्मेदार खुद ही होना पड़ेगा। मूविंग ऑन, पेज नंबर 5, खबर मिलती है, गुरुग्राम सिटीजन्स रिलीज डिमांड चार्टर। यहाँ पर गुरुग्राम के अंदर जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उन्होंने यहाँ पर एक डिमांड चार्टर लॉन्च किया है। जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जो कि अलग अलग यहाँ पर प्रोफेशनल फील्ड से आते हैं, उन्होंने एक 11-point सिटीजन चार्टर ऑफ डिमांड यहाँ पर सामने रखा है बादशाहपुर और गुरुग्राम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए। बेसिकली विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, तो जो सिटीजन्स हैं वो खुद ही यहाँ पर सिटीजन चार्टर रख रहे हैं कि उनको क्या क्या यहाँ पर चीज़ें पूरी चाहिए। दे स्ट्रेस ऑन बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन सेफ्टी, सोशल हार्मनी, स्ट्रेसिंग टू नीड द प्रोटेक्ट अरावली, स्ट्रेथनिंग लोकल गवर्नमेंट। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि जो पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल है उसको वापस लिया जाए, पॉलीक्लिनिक्स आए हर एक सेक्टर के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा हो, वाटर सप्लाई हर एक घर को मिल सके, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर अच्छे से हो, एयर पोल्यूशन को टैकल और ग्राउंड वाटर क्राइसिस को मैनेज किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव किया जाए, पुलिस प्रेजेंस बढ़ाई जाए मेट्रो स्टेशन पे, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी भी आए। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, पेज नंबर 6, खबर मिलती है, फ्रीबीज नॉट अ गुड प्रैक्टिस,
सी इज एक्सपर्ट। यहाँ पर जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है वो वाली पॉलिटिकल पार्टी जो कि यहाँ पर लोगों के सामने लोक लुभावने वादे करती हैं और आप लोगों से वोट खींचने की कोशिश करती हैं, उसमें ही एक और पार्टी का नाम आ गया है, दैट इज़ आम आदमी पार्टी, जो कि दिल्ली की आज की डेट में सत्ता संभाल रही है। उन्होंने रिसेंटली 4 बड़े फ्रीबीज को यहाँ पर अनाउंस किया असेंबली इलेक्शन से सिर्फ 6 महीने पहले। June 3 को उन्होंने बोला कि फ्री राइड प्रोवाइड की जाएंगी महिलाओं को गवर्नमेंट बसेज और मेट्रो ट्रेन के अंदर। August 1 को उन्होंने बोला कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी उन लोगों को जो कि 200 यूनिट तक कंज्यूम करते हैं। August 27 को बोला गया कि यहाँ पर जो वाटर बिल्स हैं उनके अंदर एरियर दिया जाएगा और लेट पेमेंट जो सरचार्ज लगाया जाता है उसके ऊपर भी वेवियर आ गया है। September 3 को यहाँ पर एक और बड़ी अनाउंसमेंट हुई कि फ्री एंट्रेंस कोचिंग स्कीम आएगी फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, एक्सटेंडेड टू स्टूडेंट्स हु हैव पास क्लास 10th और क्लास 12th फ्रॉम दिल्ली हुज एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन 8 लाख रुपीज। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसी चीज़ को कह रहे हैं कि चाहे असेंबली इलेक्शन हो या फिर हमारे देश के इलेक्शंस हो, किसी भी प्रकार के इलेक्शंस हो, अगर कुछ फ्रीबीज अनाउंस की जाती हैं ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। यहाँ पर जो नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो कोई भी सरकार अच्छी तरीके से डिलीवर नहीं कर रही है और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फ्रीबीज देकर इलेक्शन से पहले लोगों की लॉयलिटी और अलाइंस यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश करती हैं। मूविंग ऑन पेज नंबर 7, खबर मिलती है सेंटर मुलिंग यूनिफॉर्म पॉलिसी टू प्रोटेक्ट स्ट्रे काउस। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनिमल हस्बेंड्री प्रताप चंद्र सारंगी जी ने यहाँ पर बोला है कि जो सेंटर गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है कि देश के अंदर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी, एक यूनिफॉर्म लॉ आएगा जिसकी मदद से जो स्ट्रे काउस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। 29th इंडियन वेटरनिटी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर चल रही थी, वहाँ पर मिस्टर सारंगी जी ने इस चीज़ को बोला कि गौ माता मतलब काउ इज नाइदर अ मुस्लिम नॉर अ हिंदू, गौ माता इज नाइदर अ हिंदू नॉर अ मुस्लिम, काउस कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मिस्टर सारंगी ने यहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार की ने जो अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट किया कि वो 1000 मॉडर्न गौशाला सेटअप करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर, उसको यहाँ पर बोला कि अच्छा डिसीजन है, सेंटर इज प्लानिंग टू ब्रिंग अ यूनिफॉर्म लॉ जिससे जो स्ट्रे काउस हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। मूविंग ऑन पेज नंबर 8, खबर मिलती है जीनोमिक ग्रिड फॉर इंडियन स्पेसिफिक कैंसर रिसर्च। एक बड़ा डिसीजन हमारे देश में आया है, बोला गया है कि देश में सेटअप किया जाएगा नेशनल जीनोमिक ग्रिड। गवर्नमेंट इस चीज़ को प्लान कर रही है कि जो कैंसर रिसर्च है वो और ऊपर लेवल पे जा सके, जो ट्रीटमेंट है वो इकोनॉमिक क्लास के लिए भी वायबल हो, इसीलिए नेशनल जीनोमिक ग्रिड का गठन किया जाएगा जिसके अंदर जो जीनोमिक डेटा है कैंसर पेशेंट्स का हमारे देश में उसको स्टडी किया जाएगा। जो ग्रिड है इट इज़ टू बी फॉर्म्ड विल बी इन लाइन विद द नेशनल कैंसर टिश्यू बायो बैंक, नेशनल कैंसर टिश्यू बायो बैंक के बिल्कुल साथ में वर्क करेगी, जिसको भी रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के अंदर सेटअप किया गया है। वहाँ पर जो सैंपल्स होते हैं कैंसर पेशेंट्स के उन्हें कलेक्ट किया जाता है, उनके जीनोमिक फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है कि किस वजह से कैंसर हो रहा है और राइट ट्रीटमेंट को यहाँ पर एनालाइज किया जाता है कि इंडियन पॉपुलेशन के लिए राइट ट्रीटमेंट क्या है। NCTB जो नेशनल कैंसर टिश्यू बायो बैंक है इट इज़ फंक्शनिंग इन क्लोज एसोसिएशन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। जो NCTB है उसके पास कैपेसिटी है कि वो 50,000 जीनोमिक सैंपल्स को यहाँ पर स्टॉक आउट कर सकते हैं और उनके पास अभी 3,000 पेशेंट्स के डेटा हैं। जो जीनोमिक सैंपल हैं वो हेल्प करेंगे रिसर्चर्स के अंदर टू हैव इंडियन स्पेसिफिक स्टडीज ऑन कैंसर। जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है इसी चीज़ के लिए नेशनल जीनोमिक ग्रिड लेकर आएंगे द सेम स्टाइल विद पैन इंडिया कलेक्शन सेंटर्स बाय ब्रिंगिंग ऑल कैंसर ट्रीटमेंट्स इंस्टीट्यूशन ऑन बोर्ड। मतलब देश में अलग अलग सेंटर्स खोले जाएंगे जहां पर यहां जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके जीनोम कलेक्ट किए जाएंगे और उनको आपस में रिसर्च के लिए लिंक आउट भी किया जाएगा। सो दिस इज द मेन प्रोसेस। इसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर जो फर्स्ट सेट है 350 जीनोमिक डेटा का स्टमक और ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के, दे वर डेवलप्ड फ्रॉम द 3000 सेंटर सैंपल्स एट द NCTB। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट वॉज ऑन मिशन कि गवर्नमेंट अचीव कर सके टारगेट ऑफ वन डॉक्टर फॉर एवरी 1000 पीपल,
स्टैंडर्ड रेशियो जो WHO ने सेटअप किया है वो रेशियो हम लोग अचीव कर सकें बाय 2022 अगेंस्ट द करेंट रेशियो ऑफ वन डॉक्टर अगेंस्ट 1400 पीपल। गवर्नमेंट का ये भी प्लान है कि जो MBBS की सीट है हमारे देश में उनको बढ़ाया जा सके। करेंटली 42,000 सीट्स हैं MBBS की, उनको बढ़ाकर 1,00,000 सीट्स कर दिया जाए। मूविंग ऑन पेज नंबर 8, हम लोगों को खबर मिलती है स्पर्ट इन IVF क्वेरीज फ्रॉम एल्डरली कपल। सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि IVF क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जिसके अंदर जो एग होता है उसको फर्टिलाइज किया जाता है स्पर्म के साथ, बट बॉडी के बाहर किसी लैब के अंदर यहाँ पर ये सब किया जाता है। ओके, दिस इज नोन एज द IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, द ट्रीटमेंट है फॉर इनफर्टिलिटी, जहाँ पर बाकी सारी जो टेक्नोलॉजीज है, जो मेथड्स हैं, ओके, वो यहाँ पर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होते हैं, वो फेल हो गए, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का यहाँ पर सहारा लेना चालू कर दिया। अब इन विट्रो फर्टिलिटी सेंटर्स के बारे में बात करें, वहाँ पर जो ओवर एज कपल्स हैं, जो बुजुर्ग कपल्स हैं, उनकी भी यहाँ पर जो क्वेरीज हैं वो सामने आने लगी हैं। डॉक्टर्स ने यहाँ पर बताया कि बहुत सारे एल्डरली लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खासकर उस दिन के बाद जब एक बड़े सक्सेसफुल कंसेप्शन देखने को मिला बाय अ 73 ईयर ओल्ड विमेन, जिसने यहाँ पर बर्थ दिया दो गर्ल चाइल्ड को। ओके, दे वर ट्विन गर्ल्स। तो यहाँ पर जो न्यूज़ है उसने यहाँ पर होप बढ़ा दी है एल्डरली कपल्स के लिए कि वो भी अब बेबी ले सकते हैं विद हेल्प ऑफ IVF सेंटर्स। इंडियन सोसाइटी फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्शन ने यहाँ पर बोला है, इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी और जो अकेडमी ऑफ क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में बोला है दे हैव स्ट्रॉन्गली कंडेम्ड दिस एक्ट ऑफ माइंडलेस मिसयूज ऑफ द IVF टेक्नोलॉजी। वो कह रहे हैं कि जो एल्डरली कपल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, वो एक तरीके से अगर उनके साथ किया जाएगा तो इट्स अ मिसयूज ऑफ IVF टेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2017, जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सर्विस है वो उसी महिला को यहाँ पर दी जाएगी जिसकी उम्र 18 साल और 45 साल के बीच में है, बिटवीन द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड 45 ईयर्स। जो IVF के स्पेशलिस्ट हैं एट द नोवा IVI फर्टिलिटी वाई स्वरूपा, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि प्रॉपर रेगुलेशन की जरूरत है विद क्वालिटी स्टाफ एंड रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स। ह्यूमन फर्टिलिटी एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी यहाँ पर प्रोवाइड करती है क्लियर गाइडेंस कि यहाँ पर कोई भी सेंटर अगर पकड़ा गया इन गाइडलाइंस को यहाँ पर वायलेट करता हुआ, उसका लाइसेंस एकदम स्क्रैप हो जाना चाहिए और उसके खिलाफ यहाँ पर पेनल्टी भी लगनी चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, पेज नंबर 8, खबर मिलती है यूरेनियम कॉरपोरेशन अर्ज टू स्टॉप माइनिंग एक्टिविटी इन आंध्र प्रदेश। पहले भी मैंने आपको यूरेनियम से रिलेटेड एक आर्टिकल पढ़ाया है कि यूरेनियम माइनिंग की वजह से जो इकोसिस्टम है वो ख़राब हो रहा है और ख़ासकर हमारी जो नदियां हैं वो भी हमें पॉल्यूट होती हुई नज़र आ रही हैं। नदियों के आसपास जितना भी यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है वो भी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, तो इसीलिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी यहाँ पर आंध्र प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, जिससे यहाँ पर जो रेडियो एक्टिविटी है यूरेनियम की वजह से जो एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, विधि जो ये थमापल्ले प्रोजेक्ट है YSR कडप्पा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसकी वजह से उसको एनालाइज किया जा सके। उसने यहाँ पर सबमिट किए हैं अब मेमोरेंडम टू द यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिस वाज प्रेजेंटेड बाय द लोकल फार्मर्स, कि यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रोका जाए इसकी रिक्वेस्ट की जा रही है। यहाँ पर जो UCIL है उसे बोला गया है कि आप जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं उसे रोक दो, और माइनिंग एक्टिविटीज़ इसलिए भी रोकी जाए क्योंकि यहाँ पर अगर कहीं पे यूरेनियम माइनिंग होती है तो जो लोकल्स हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनकी ओपिनियन लेना इंपॉर्टेंट होता है, पर यहाँ पर लोकल्स की जो ओपिनियन है उसे नहीं लिया गया। UCIL इज स्पेंडिंग ओवर 1,00,000 करोड़ ऑन 13 यूरेनियम माइंस इन आर कंट्री, जिसमें से यहाँ पर जैसे चना कश्यवुल्लोकुद्दा और पांड्रा और अमराबाद और तमलापल्ली और बाकी सारी जगह हैं जैसे नलगोड़ा, महबूबनगर, कडप्पा, गुंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर और तेलंगाना स्टेट्स के अंदर।